हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम जा रहे हैं कहीं दिल्ली से बाहर। तो आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में जा रहे हैं मुक्तेश्वर। वहाँ पे अपना वन वे ड्रॉप जो कि 7500 रुपीज़ का है, और वहाँ से फिर देखते हैं कब और कितने रुपए की मिलती है ड्यूटी वापसी की। तो आपको दिखाएंगे, साइट सीन कराएंगे लोकल। तो गाइस, फ़िलहाल हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से अपना पिकअप है आज का। अभी रोहिणी से एयरपोर्ट जा रहे हैं। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 निकल चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 8:25। देखते हैं, एयरपोर्ट 9 बजे तक तो पहुंच जाएंगे। 9 बजे का ही अपना पिकअप है, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत मज़ा आएगा। कस्टमर को काफ़ी देर से भूख लग रही थी, आधे घंटे से चिल्ला रहे थे भूख को, लेकिन मैंने यहीं रोकी क्योंकि वही है, कहीं और रोकता तो कुछ भरोसा नहीं होता। काफ़ी हर जगह, मतलब बहुत जगह ऐसा ही गाड़ियां तो खड़ी होती है, लेकिन खाना बहुत बेकार मिलता है वहाँ पे, और ड्राइवर की भी कुछ सुविधा नहीं होती। बहुत 300-300 रुपये का तो ड्राइवर को खाना खिलाते हैं वो लोग। तो इसलिए पता है कि हर हाईवे पे कौन सा अच्छा ढाबा है तो वहीं रोकते हैं। यहाँ पे जैन शिकंजी भी है, देखो यहाँ बहुत बढ़िया सिस्टम है यहाँ। $3,300 में फुल हो गया डीजल, क्योंकि पहले से भी था। अभी हम यहाँ रुके हैं, यहाँ चाय, चाउमीन, पास्ता खाएंगे। और ये है यहाँ का व्यू। अभी रास्ते में ही है, अभी 1 घंटा रह रहा है। 1 घंटे बाद पहुँच जाएंगे लोकेशन पे, मुक्तेश्वर उत्तराखंड। अभी पहुँच चुके हैं कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पे। अब इनको ड्रॉप करके और दूसरा पिकअप भी ढूंढ लिया है, एक दोस्त ने दे दिया है। अब अल्मोड़ा, अल्मोड़ा से कल सुबह पिकअप है। गाड़ी यहाँ लगा दी है, चप्पल अप्पल सोने के लिए रेडी हो चुके हैं, और बैठी है यहाँ सोऊंगा आज। डॉर्मेट्री मिल गया है यहीं पे ही होटल में। हाँ तो गाइस, अलार्म लगा लिया है। अब सुबह 5-6 बजे अल्मोड़ा के लिए निकलूँगा मुक्तेश्वर से। कस्टमर को तो यहाँ ड्रॉप कर ही दिया था, पेमेंट भी ले ली थी उनसे। टाइम हो चुका है गाइस 5:20। अब हम निकल रहे हैं अल्मोड़ा के लिए। ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे, बोला भी नहीं जा रहा। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम चल रहे हैं पहाड़ों में अकेले अकेले। फुल जंगलों में, जंगल के रास्ते से जाने वाले हैं। हो सकता है कोई चीता वीता दिख जाए, दिख जाएगा तो उससे मिल लेंगे थोड़ा सा, बस भूत ना दिखे। अच्छा तो नहीं बैठा हुआ। हाँ तो गाइस, 6 बज चुके हैं, सुबह हो चुकी है। गुड मॉर्निंग। यहाँ
यहाँ रुका हूँ, यहाँ चाय पीऊँगा और ब्रश करूँगा। पहले ब्रश करूँगा फिर चाय पीऊँगा फिर बढ़ूँगा आगे। अब तो बस 30 मिनट का रास्ता रह गया पिकअप लोकेशन का। कल कस्टमर ने बेइज्जती कर दी। कह रहा, कस्टमर कह रहे आपकी गाड़ी 2015 मॉडल लग रही है। मेरे से पूछ रहा कौन सा मॉडल है। मैंने कहा 2019 मॉडल है। मैंने फिर उन मैं चेप हो गया फिर कस्टमर का। मैंने कहा कि आपको 15 मॉडल किस हिसाब से लग रही है, कुछ कमी तो बताओ गाड़ी में, क्या कमी लग रही है आपको गाड़ी में। मैं वॉशिंग करा के गया पूरा और कस्टमर कह रहे कि आपकी गाड़ी पुरानी लग रही है। फिर वो चुप हो गए, कह रहे कि हमारे वहाँ पेट्रोल गाड़ी चलती है। मैंने कहा अच्छा, आपको डीजल की आवाज़ इंजन की आवाज़ से आपको लग रहा है। मैंने कहा ये इंजन ऐसे ही होता है, आवाज़ करता ही है। कितनी ओस हो रही है। अभी तो अल्मोड़ा आया भी नहीं है। अल्मोड़ा अभी 8-9 किलोमीटर दूर है। घर के लिए करवाएंगे मिठाई पैक। बादल नीचे रह गए हैं और हम ऊपर आ गए। यहाँ अल्मोड़ा से निकलने की तैयारी में है। सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आज अपना ड्रॉप है दिल्ली में। दिल्ली में है द्वारका सेक्टर 9। मेरे हिसाब से रात के 9-10 ही बज जाएंगे घर पहुँचते तो, क्योंकि द्वारका से रोहिणी सेक्टर 15 जाने में ही 1 घंटा तो लग ही जाएगा। टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं शाम के, वही 8:30-9 बजे तक ही पहुँचेंगे दिल्ली तो। हाँ तो गाइस, मैं हूँ अभी द्वारका सेक्टर 9। तो मैंने ड्रॉप कर दिया है, टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं रात के। और जो बिल था कस्टमर का वो तो था ही 8,000 रुपये, और मतलब अल्मोड़ा से यहाँ तक का, द्वारका दिल्ली तक का। ऊपर से इस कस्टमर ने 1500 रुपये टिप दी है। कल जो कस्टमर थे 500 रुपये उन्होंने टिप दी थी, 2000 रुपये तो टिप ही हो गई है इस बार। चलो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। 27 तारीख को जाना है राउंड ट्रिप है एक। फिर ओके, बाय, गुड नाइट।